कैसे हो दोस्तों, स्वागत है हमारे आज के नए ब्लॉग में। तो गाइस, आज का ब्लॉग है बहुत ही फेमस जगह, यानी हमारे बिहार का बहुत ही फेमस जगह सुरसंड का दुर्गा पूजा। आज अपने ब्लॉग के माध्यम से मैं दिखाना चाह रहा हूँ। तो गाइस, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं, जिससे आने वाला हर वीडियो आपको आसानी से मिलता रहे। तो चलिए गाइस, देर न करते हुए घूमते। क्या बोल रहा है? उबला हुआ अंडा मांग रहा है। अंडा रुको जरा, सबर करो। तो गाइस, इतना काफ़ी भीड़ है सुरसंड में कि लोग यहाँ चलने के लिए जगह नहीं है। और मूर्ति की बात करें तो इतना खूबसूरत मूर्ति बनाया गया है कि इस एरिया में ऐसा मूर्ति कहीं देखने को नहीं मिला है। तो गाइस, ये आप देख सकते हैं, दुर्गा माता पूरा पूर्ण रूप में है और बढ़िया लग रहा है। और यहाँ का एक और चीज़ बढ़िया है कि देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ भीड़ इतना है कि यहाँ चलने के लिए जगह नहीं है। लोग बहुत दूर दूर से यहाँ आए हुए हैं और अब देख सकते हैं मेरे पीछे कितना भीड़ है। और महिला पुरुष बच्चा बूढ़ा सब के सब पधारे हुए हैं इस मेला में माता दुर्गा जी का दर्शन करने। और इस मेला की खास बात है कि यहाँ आप देखिए, इस मेला में जितना भी, आज नवमी का दिन है, दुर्गा नवमी अष्टमी कल था, आज नवमी का है। पूजा पाठ में यहाँ महिला लोग सब, साइड में एक स्टैंड लगाया गया है और स्टैंड पे ही पूजा पाठ हो रहा है। यहाँ से देखिए पूरा मूर्ति है, और रावण है, गणेश है, शंकर है, सरस्वती है, कार्तिकेय है, सब के सब एक ही मंडप में पधारे हुए हैं। और भीड़ की बात करें तो देखिए, वहाँ ये चढ़ावना चढ़ा हुआ है, चावल है, इसके बाद अगरबत्ती है, पान के पत्ता है, फूल है, माला है, ये स्टैंड लगा दिया गया है यानी श्रद्धालुओं की सेवा में। और भीड़ इतना है कि मत पूछिए। सजावट की बात करें तो सजावट भी बहुत बढ़िया बनाया गया है। यहाँ बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ सजावट दिया गया है और चारों तरफ एकदम भीड़ ही भीड़ है। तो चलिए, और मेला का भी दृश्य देखेंगे, लेकिन माता को यहाँ छोड़ के जाना मन नहीं कर रहा है, तो फिलहाल चलते हैं मेला की तरफ। और इस मेला में खास है कि एक कार्यक्रम लगाया गया है जहाँ रुद्राक्ष की माला से शिवलिंग महाकाल का रूप सजाया गया है। और चारों साइड ये जो है कलश को बांध के रखा गया है। कलश का ही सजावट है, लाइट वगैरह का सजावट है, पूरा कलश का है। और वहाँ आप देख सकते हैं महाकाल, सिर्फ रुद्राक्ष की माला से शिवलिंग का रूप दिया गया है। काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और यूनिक लग रहा है। और साइड में एक पोस्टर भी मारे हुआ है महाकाल, आप देख सकते हैं।
पूरा चंद्रमा वगैरह सब कुछ में यहाँ का रूप दिया गया है। देखकर ऐसा लग रहा है कि हम उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में विराजमान है, और सेम वैसे ही सजावट, वैसे ही डेकोरेशन पूरा दिया गया है। और ये मेला का दृश्य है, सभी गोलगप्पा फुलचे वाले सब यहाँ पधारे हुए हैं। और चलिए यहाँ देखिए, एक छोला भटोला वाला भैया अपना दुकान सजाए हुए हैं, और मेला में बढ़ते हैं। बहुत ही भीड़ है, चारों तरफ भीड़ है, हर चीज़ का व्यवस्था है यहाँ, मेडिकल वगैरह का भी हर जगह ऐसा कैंपेन लगा के रखा गया है, जिससे आने वाले किसी भी श्रद्धालु को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और बच्चे लोगों का खेलकूद का भी बढ़िया व्यवस्था दिया गया है, और यहाँ सब बच्चे का झूला है, यहाँ सब कुछ है। और यहाँ एक दुर्गा नाट्य परिषद सुरसंड की तरफ से एक नाटक का प्रोग्राम रखा गया है, जो कि अभी स्टार्ट नहीं है, नाइट को होगा या दिन में होगा, हम जिस टाइम आए उस टाइम नहीं हो रहा है। गाइस, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? पूरा सुरसंड का दृश्य अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास किया हूँ, अच्छा लगा होगा। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं, जिससे आने वाला हर वीडियो आपके पास आसानी से मिलता रहे। तो चलिए किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे फिर। सभी को राम राम, जय हिंद।